सो यार, जैसा कि सामने स्क्रीन पे देख रहे हो कि ड्रैगन बॉल लेजेंड्स ने मुझे ऐसा फोर्स किया है ऐसा करने के लिए। और भाई साहब, मैं क्या बताऊं, जो गेम का पीवीपी है यार, बिना बीस्ट गोहान के खेलना यूजलेस लग रहा है, बिल्कुल बेकार है। और मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज़्यादा बेकार है। अब तो नेक्स्ट जो एलएफ होगा शायद वो ग्रीन हो और मे बी काउंटर करे हाइब्रिड्स को या फिर समथिंग लाइक डेट, तो जाकर थोड़ा सा गेम में खेलने का मन मिला। वो मिले तो, अब वो भी मिले तो तब कुछ सीन होगा। लेकिन यार बीस्ट गोहान भाई साहब, मतलब बहुत ज़्यादा ही ब्रोकन है। अब देखो, मेरे को भी पीपी खेलना, मैं काफ़ी पीपी खेलता हूँ, ऐसा नहीं है पीपी नहीं खेलते। आपको पता ही है कि मैं चिक्स के ट्रेन के ग्राइंड ही करता हूँ। बट यार सीन क्या है कि मतलब ये है ही नहीं मेरे पास, तो वो खेलने का एकदम मन नहीं करा। क्योंकि जो खेलने जीतने का रेशियो होता है ना, वो जहाँ बहुत ही कम हो गया है। लाइक 10 में से 6 मैचेस जीत रहा हूँ, 5 मैचेस जीत रहा हूँ, ऐसे हो रहा है। और जो मैचेस हार रहा हूँ बहुत ही क्लोज, बिकॉज ऑफ द बीस्ट गोहान लास्ट स्टैंड, उसका डुअल कार्ड ड्रॉ स्पीड, और उसके बाद न्यूट्रल हो जाना, फिर उसके बाद अब क्या डैमेज करता है ब्लू कार्ड पे, अल्ट पे, यार जो भी है, इतने सारे किट जो उसके सब कुछ उसके पास है यार, वो ना होने के कारण मैच मतलब एक तरफा हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि नया अकाउंट बना लिया। सामने स्क्रीन पे देख रहे हो कि थोड़ा सा ऊपर से वो कट गया होगा, मेरा जी लेवल नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने एक अल्ट अकाउंट अपने फ़ोन में बना लिया, मतलब एक दूसरे फ़ोन पे मैंने एक अल्ट अकाउंट बना लिया खेलने के लिए, कि यार चलो मैं भी ट्राई करके देखूँ यार कि कैसा लगता है बीस्ट गोहान के साथ खेलने से। अब भाई यार जब मिलेगा नहीं तो खेलोगे कहाँ से, तो फिर मैंने अल्ट अकाउंट बना लिया, डेट्स इट। तो आप भी अगर खेलने का ऐसा मन होता है कि लाइक पीवीपी में, देखो रिवॉर्ड अब उस वाले अकाउंट में तो मैं रैंक पुश करने से नहीं हूँ, लाइक BR70-70 हो गया तो हो गया, डेट्स इट, उसके आगे नहीं खेलने वाला, मन नहीं है उस अकाउंट से खेलने का। तो मैंने खेलने के लिए एक और अकाउंट क्रिएट कर लिया, और ये टेम्प्रोरी अकाउंट है, कुछ दिनों में बाद में इसको भी बंद कर दूंगा। मतलब लाइक सीजन एक एक दो सीजन के बाद, 1 महीने के बाद इसको खत्म कर, मतलब बंद कर दूंगा, इस पर खेलने का कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट फॉर बीस्ट गोहान आई मेड अल्ट अकाउंट, और मैं इन तीनों को यूज करूंगा। देख रही हो कि 7 स्टार का गोहान है, 7 स्टार का मेरा अल्ट बीस्ट गोहान है, 11 स्टार की पेन हो चुकी थी और 9 स्टार का पिकलो हो चुका था। तो ये टीम में यूज कर रहा हूँ पीवी में। होप करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आएगी, और जो भी आपके कमेंट्स में आपको क्वेश्चन करना है, पूछना है, या फिर कोई भी आपका डाउट है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हो। बाकी आप मेरा और चीज़ों के लिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। तो होप आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया मेरा मत जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और राइट, तो फर्स्ट मैच आप आई गया, देख ही रहे हो कि भाई साहब बहुत ही ओल्ड प्लेयर है और भाई साहब के पास बीस्ट गोहान है। तो मैंने जैसे बोला कि हर एक मैच आप बिना बीस्ट गोहान के साथ ही खेलोगे, अगर पीवीपी में खेल रहे हो तो एक दो बॉट शुरू में आ जाते हैं तो आ जाते होंगे, लेकिन जो भी मैच हो गए आपको बिना बीस्ट गोहान के नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब ने स्टार्ट तो किया, लेकिन यहाँ पर जो ये लॉक कर देती है तो फिर ये भी सीन है। तो लाइक यहाँ पर मैं गया ब्लू कार्ड, अब ये देखो ब्लू कार्ड का डैमेज, तो दिस इज वॉट आई एम मिसिंग इन माई टीम भाई साहब, कि ये ऐसा मुझको भी चाहिए भाई, ये मुझे भी चाहिए यार ऐसा डैमेज। मतलब यह नहीं कि मेरे पास स्किल की कमी है भाई, यूनिटी इतना ब्रोकन है कि स्किल एकदम से जो गेम से बाहर हो गई, लगता है कि खिड़की जिसको गेम की खिड़की से उसको बाहर फेंक दिया। स्किल नहीं चाहिए हमें, हमें यूनिट चाहिए। अगर यूनिट है तो आप खेल पाओगे, यूनिट नहीं है तो आप नहीं खेल सकते हो। तो ये है सीन इस टाइम ड्रैगन बॉल लेजेंड्स का, नो स्किल रिक्वायर्ड, ओनली यूनिट्स रिक्वायर्ड। आपको यूनिट्स हैं तो आप जीत जाओगे, अगर यूनिट्स नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते हो, राइट। ओ भाई साहब, यहाँ पर मैंने इसका अल्ट डाल दिया, मुझे लगा पिकलो शायद मर जाएगा, लेकिन शायद नहीं, थोड़ा अर्ली मैंने यहाँ पर ये दबा दिया था। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके लिए गया, फिर अभी भी शायद मुझे लगा कि ये भी आया नहीं होगा, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने स्ट्राइक किया। बट गोहान, अभी देखो गोहान कवर चेंज पे कार्ड सारे डिस्ट्रॉय करता है, यूनिवर्सल का कवर चेंज है, ब्लू से कवर भी कर सकता है। शायद यहाँ पर पेन को शायद डैमेज होगा, मरेगी तो नहीं बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें यार, इतनी चीज़ें देने की क्या ज़रूरत है किसी एक यूनिट को, सब कुछ दे डाला है उसको और एकदम से, मतलब क्या बताऊँ, मतलब भाई एक अच्छा प्लेयर अगर उसके पास यूनिट नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत लोगों को मिल चुका है यूनिट, मेरा मेरे गिल्ड में मेरे मुझे लगा कि 70% लोगों को मिल चुका है, 70-80% लोगों को मिल चुका है। बहुत जो अनलकी रहे हैं जिस बैनर पे, वो उन्हीं को नहीं मिला, उनको चेस भी नहीं करना चाहिए। मेरे पास सीसीज हो गए हैं, अब आई एम नॉट समनिंग ऑन इन दिस, चेस नहीं करूँगा। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, उसके लिए इतना चेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गोरिश नहीं है कि नहीं मिल रहा है तो हमारे पैसे हैं बार बार लगा के हम उसको कर सकते हैं, तो डेट्स इट। तो यहाँ पर इसने मेरा एक यूनिट मार दिया था। अब देखो, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर बीस्ट गोहान आता है,
अब ये देखो कितना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप कवर चेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार ड्रॉ 2 की स्पीड को मिल जाएगी, इसकी गॉज भर रही है बराबर। अब ये यहाँ पर हुआ सीन, और यहाँ पर मैं यहाँ पर ब्लू कार्ड पे वैनिश रिस्टोर करता है, ग्रीन कार्ड पे रिस्टोर करता है, अल्ट पे रिस्टोर करता है, भाई साहब क्या है इसके बाद, ये यूनिट क्या बना दिया इन्होंने यार। तो यहाँ पर साइड स्टेप किया लेकिन वहाँ पर कैच नहीं करवाया था, तो यहाँ पर फिर डोका, बाकी इम्पैक्ट में शायद मैं जीत जाता हूँ। और यहाँ पर ये देखो एक टैप शॉट, यहाँ पर राइजिंग वस्तु किया नहीं है, मैं उसके पास एंडोरेंस भी नहीं होगा, मरा ये ठीक है। अब वो इस बिना एडवीस्ट गॉन के वो उसकी टीम बेकार है, यू नो कुछ नहीं कर सकता वो। यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया जहाँ उसने, मैं यहाँ फंस गया और ये मरा, सो बीस्ट गॉन सोलो कर दिया बस, पर क्या ख़त्म टीम। बीस्ट गोहान है तो आप मैच जीत सकते हो, नहीं है तो आप नहीं जीत सकते, राइट। ये है बीस्ट गोहान, दिस इज़ द बीस्ट गोहान। मुझे लगा कि यहाँ पर वो उसको एटलीस्ट मार देगा, तो मैंने यहाँ पर वहाँ पर साइड स्टेप नहीं किया, थोड़ा सा रख करके मारता तो शायद मर जाता। और यहाँ पर अल्ट से कार्ड स्टोर भी कर लेता यार, अगर आपके पास 3 से कम कार्ड होते हैं। मुझे लगा बीस्ट गोहान एलफ मार देगा, बट नहीं मार पाया, थोड़ा सा इन्होंने लैग कर गया। तो फिर यहाँ से स्ट्राइक दबा दिया, अब ये देखो यहाँ पर मार दिया भाई सोलोस टू होल द टीम, पूरी टीम को सोलोस कर दिया उसने। तो यही चाहिए था भाई, बड़े बड़े प्लेयर से खेलना है तो आपको बीस्ट गोहान चाहिए, अगर छोटे बच्चों से खेलना है तो फिर कोई भी टीम लेके जाओ, लेकिन आपको एक अच्छे बंदे से खेल रहे हो। लाइक यहाँ पर जैसे ये देखो, ये बंदा एक अच्छा प्लेयर है, इसने उसके पास मास्टर टाइटल है, यानी जो बैटल रॉयल में 10/10 मैच जीतता है, इसके पास 9 स्टार है, ये सब है। अब ऐसे मैच में अगर आप बिना बीस्ट गोहान के खेलते हो तो क्या होगा आपको, वो आपको कुत्ते की तरह मारेगा, ऑब्वियसली बात है, आपकी धुलाई करेगा। तो यही चीज़ है, तो मैंने वही सोचा कि भाई साहब बिना बीस्ट गोहान के कोई गेम प्ले नहीं हो सकता, अगर पीपी में आप गेम प्ले करते हो तो ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये 17 को लेकर आया था, बस यहाँ पर मैंने यहाँ पर जानबूझ के कार्ड ड्रॉ, मैंने ड्रॉप करने की कोशिश की पर हुआ नहीं वहाँ पर। तो यहाँ पर ये था, उसने स्विच किया फोर्स, ओके। तो यहाँ पर ये कोई डर नहीं है, आप कॉम्बो चलाओ, आपका कार्ड ड्रॉ 2 स्पीड है आपके पास, तो डेट्स इट। अगर अच्छे बंदे से आपको मैच जीतना है मुझे, तो भाई बिना बीस्ट गोहान का मुझसे तो नहीं हो सकता। अब वो लुल्ली पुले जो बंदे 10K नहीं करते, उनको भी हराना मुश्किल हो जाता है बिना बीस्ट गोहान के भाई, अगर उनके पास बीस्ट गोहान है तो, क्योंकि वो यूनिटी इतना ब्रोकन है। तो यहाँ पर इसने मेरे पेन को देखो, अब देखो मैंने वही मैचेस डाले हैं जहाँ बीस्ट गोहान का मतलब कोई मीनिंग है, बंदा इतना अच्छा खेलता है, उसके पास इतने अच्छे यूनिट है, और ये देखो मेरा एक यूनिट मेरा अर्ली मर जा रहा है। मैंने वही मैचेस डाले हैं कि जिसमें बीस्ट गोहान की कोई वैल्यू समझ, यहाँ पर बीस्ट गोहान आया, कवर चेंज है, ब्लू कार्ड है भाई, यहाँ पर इसको आप कॉम्बो कर सकते हो, देखा ये सीन है। अब ये देखो उसने स्विच नहीं किया, एक ब्लू कार्ड का डैमेज है ये, और यहाँ पर उसने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने ये भाई नया टेक्निक से इसको मार दिया भाई, खत्म। दिस इज द पावर ऑफ बीस्ट गोहान भाई, यही तो दिक्कत है। और नो स्किल वहाँ पर क्या था, एक ब्लू कार्ड यूनिट मार दिया, उसका भी अच्छे स्टार पे था भाई, ऐसा 9 स्टार पे नहीं था, अच्छी टीम से उसको बफ भी किया उसने। तो यही चीज़ें हैं भाई जो गेम को गेम नहीं एकदम क्या ही बना दिया है। तो मैंने बस गेम को इंजॉय करने के लिए अल्ट अकाउंट बनाया है, और मैंने अपने मेन अकाउंट से ग्राइंड तो करूँगा ही करूँगा, अपना ग्राइंड वहाँ ख़त्म नहीं करना है मुझे, अपना वहाँ ग्राइंड करता रहता हूँ, बट वहाँ पर पीवीपी नहीं खेल रहा मैं भाई, वहाँ बस वहाँ का पीवीपी मैं नहीं खेल रहा, यहाँ पीवीपी मैं लास्ट दिन खेल लूँगा, BR70-20 करके ख़त्म कर दूँगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आई एम नॉट प्लेइंग पीवीपी इन दैट अकाउंट, पीवीपी खेलूँगा मैं इस अकाउंट में लोगों को बुली करने के लिए, बस दैट्स इट। यहाँ पर भी ये बच जाता है तो मैं सोचता हूँ कि टैप शॉट से मारूँ, लेकिन टैप शॉट से नहीं हो पाता, तो यहाँ पर फिलहाल ये मर जाता है। और उसके बाद से ये यहाँ पर ये करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर RR दबा देता हूँ, फाट खत्म। तो ये द टीम इज़ द ब्रोकन टीम, मूवीज़ की टीम इज़ द बेस्ट राइट नाउ, दैट्स इट, यही कहना था आपको। तो देखो अगर आपको भी लाइक बहुत लोगों ने गेम छोड़ दिया, तो गेम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। तो फुल्ली सर गेम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कलेक्टर हो, केवल यूनिट्स कलेक्ट करते हो, लाइक कार्ड्स कलेक्ट करते हो, जैसे होता है ना गेम, कुछ लोग पीपी नहीं खेलते, केवल यूनिट्स को कलेक्ट करते, तो आप उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आप पीपी खेलते हो तो मैं आपको समझ सकता हूँ, यू नो। तो यही है, नेक्स्ट मैच आप देखो कि बंदा कूलर को लेकर आता है, भाई मैं कहूँगा कूलर को क्यों लेकर आया, एक रीज़न है कि इस मेटा में आप कूलर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ये मैच देखना आपको पता चल जाएगा कि आपको कूलर क्यों नहीं यूज़ करना है। तो जो लोग नहीं मिला, जो पीवी बहुत खेलते हैं उनको नहीं मिला, तो मैं कहूँगा इन्जॉय के लिए एक अल्ट अकाउंट कुछ टाइम के लिए बना लो, और यू नो खेलो उसके अंदर जितना खेल सकते हो, मतलब थोड़े टाइम के लिए खेलो, मज़े करो, उसके बाद उसको डिसबैंड कर दो जब तक गोहान का मेटा है, यू नो। तो ये अगर आप देखो, मुझे तो फन लगा अल्ट अकाउंट बनाकर, कोई मज़ा आ रहा है मुझे खुद को, क्योंकि मुझे खेलने को मिला। तो जो एक चीज़ ये है कि ये दुकान कभी ना कभी मुझे मेन अकाउंट में मिलेगा, बट जब तक नहीं मिलता तब तक यही है कि खेलो यार, आप इस अकाउंट से खेलो।
तो यही है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर कूलर लाया था, मैं कहा बस कूलर मुझे एक बार मेरे हाथ से चढ़ जाए तो मज़ा आएगा, तो यहाँ पर ये मिला नहीं। कूलर को बस ड्रॉप कर देता था भाई, ऐसा यहाँ पर डॉच और यहाँ पर मैं मेन करता हूँ, वहाँ पर बस साउंड आ जाता कूलर का कि वो साइड स्टेप कर रहा है, मैंने वहाँ पर दबाया ब्लू का। और ये देखो डेड्स भाई, आपको नहीं लाना है कूलर, आपको रेड यूनिट ढंग से नहीं लाना इस गेम में, ख़त्म हो गया बेचारे का कूलर एक शॉट में। तो डेड्स भाई, भाई साहब मुझे बुरा लगा उसके कूलर के लिए। तो लेट्स सी, यहाँ पर साइड स्टेप पे साथ किया उसने और यहाँ पर मैंने कैच कर लिया। ओके, तो यहाँ पर ग्रीन कार्ड और पैन भाई बहुत एनोइंग यूनिट है, पैन तो सबसे ज़्यादा बीस्ट गोहान से भी एनोइंग लग रही थी भाई, मैं उसके लिए बता नहीं सकता हूँ क्या है पैन, इतना एनोइंग यूनिट है। यहाँ पर उसने फॉरफिट कर दिया। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी जहाँ मैंने थोड़ा सा फन किया था, होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।